रशिया और यूक्रेन की वार के बाद अगर कोई सबसे बड़ी वार शुरू हुई है वो हुई है दो बड़े एक्टर्स के बीच में। एक तरफ है शाहरुख खान जो कि ब्लॉकबस्टर के बादशाह है, एक साल में दो दो मूवीज दे चुके हैं और उनके साथ भिड़ने वाले हैं प्रभास अन्ना। और इस जंग को देखने के बाद सुनील शेट्टी कहते हैं कि ये प्रभास की बहुत बड़ी भूल होगी और हम्बल मूवीज वालों की बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि शाहरुख खान का मुकाबला खुद शाहरुख खान नहीं कर सकते तो प्रभास जी क्या करेंगे। और जिस तरीके से शाहरुख खान ने सुपर हिट के ऊपर एक और हिट दिया है, यानी कि जो मास्टर स्ट्रोक शाहरुख खान खेल रहे हैं, जो छक्के शाहरुख खान ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर मारे हैं, उनके सामने सारे रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। और वहीं ये एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जो कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी के सामने अपनी फिल्म को रिलीज कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, राजकुमार हिरानी बना रहे हैं शाहरुख खान की फिल्म डंकी को। और ये बात आपको याद रखनी है कि शाहरुख खान के साथ वो डायरेक्टर है जो कि थ्री इडियट्स बना चुका है, शाहरुख खान के साथ वो डायरेक्टर है जो कि पीके फिल्म बना चुका है, जो कि रणवीर कपूर के साथ मिलकर संजू बाबा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना चुका है, यानी कि संजू फिल्म बना चुका है। और इस डायरेक्टर का मुकाबला करना यानी के भाई साहब सांप के बिल में हाथ डालने के बराबर है। और ऐसे में दो फिल्म बनाई है प्रशांत नील ने जो के सुपरहिट हुई है, जिनका नाम केजीएफ है। अब कहीं ना कहीं कनेक्शन ये जोड़ा जा रहा है कि जो सलार फिल्म है उसके अंदर अपने यश रॉकिंग स्टार यश भी आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं यहां पे जो केजीएफ का सपोर्ट है वो सलार फिल्म को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें शाहरुख खान की, तो पठान का नशा नहीं उतरा था, इतने में विक्रम राठौड़ आ गया। और विक्रम राठौड़ ने जो काम किया है वो आज से पहले किसी फिल्म के अंदर शाहरुख खान के किसी अवतार ने नहीं किया था। विक्रम राठौड़ लोगों की इंस्पिरेशन बन चुका है, उनके राजनीतिक और सामाजिक संदेश दिल में बस चुके हैं। और ऐसे में विक्रम राठौड़ का मुकाबला करने के लिए डंकी सामने आ रही है, यानी कि एक से बढ़कर एक शाहरुख खान ने ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है और इनका क्रेज इतना बन चुका है जितना समंदर के अंदर पानी है। और यहां पे सुनील शेट्टी कहते हैं कि इतने बड़े ग्लोबल और किंग खान सुपरस्टार बहुत बड़े एक्टर का मुकाबला करना यानी के प्रभास का करियर बर्बाद करने के बराबर है, क्योंकि आदि पुरुष से लेकर साहू तक चाहे राधे श्याम हो हर एक मूवी डिजास्टर साबित हुई है। वहीं आ जाते हैं किंग खान जो कि मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1,000 करोड़ रुपए ऐसे कर रहे हैं जैसे हम पेड़ से आम उतारते हैं। भाई साहब वो काम भी मुश्किल है, लेकिन शाहरुख खान के लिए 1,000 करोड़ रुपए करना कोई बड़ी बात नहीं है। और इतने बड़े सुपरस्टार से टक्कर लेना यानी के अपना करियर बर्बाद करने के बराबर है। क्या डायनासोर टिक पाएगा डंकी के सामने? आपका क्या रिएक्शन है और आप शाहरुख खान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सलार के बारे में सोचते हैं, कमेंट में लाजमी लिखना। क्या डंकी फिल्म 1,000 करोड़ में कमा सकती है, यह आपसे सवाल है, कमेंट में लाजमी बताना। और अगर आप शाहरुख खान के या फिर प्रभास के सच्चे फ्रेंड हो तो FAQ को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप राहुल भाई के साथ जुड़ जाओ और आपको इसी तरीके से शाहरुख खान और प्रभास की फिल्म सलार की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो दबा के शेयर करो और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। हमें हरे कृष्णा।